वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एग्रीकल्चर ट्वेंटी फोर सेवन आई एम प्रतिभा शर्मा शाम के बच्चों के छे और आप डेली उड़ान सफलता की और क्लासेस और अभी आप कर रहे हो एंटोमोलॉजी पोर्शन सो वेरी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग तो नहीं बोला गुड इवनिंग ही बोला ना अरे दिमाग बंद हो गया सुबह से अच्छा निहारिका योगेंद्र मैम मैम का नाम क्या है मैम आज अपना नाम बताएंगी जो मैम यूजर नेम है वो आज अपना नाम बताएंगी रश्मि समृति दामिनी शरद शैलेन्द्र हंसा भी थी ऊपर शिवी भी थी ऊपर है ना गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो ट्रेलर चल रहा था तब मैं देख रही थी ऊपर सबको नमस्ते विशु नमस्ते दामिनी स्मृति एंड एवरी वन भारती ज्योति रानी इतनी सारी लड़कियां हो यार तुम दिल खुश हो जाता है देख के चलो ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडे सेशन बट बिफोर दैट अगर आप में से कोई भी पहली बार जुड़ रहा है और इस चैनल पर नया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब करके साथ ही हमारे Instagram और Telegram चैनल पर यहाँ पर हम एम सी क्यूज़ करते हैं अगर आपको वैसे ही डेली क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अटेंड करने हैं तो सब्जेक्ट वाइज क्विजेज जो है आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हो सेशन को लाइक भी कर सकते हो अगर पसंद आते हैं ये सेशंस तो सेशन को लाइक कर दो रैपिड फायर टुडे क्लास रैपिड फायर क्लास चाहिए जरूर आज रिवीजन क्लास ही है आपकी मुझे बस शेयर करने दो और उसके बाद हम शुरू करते हैं अच्छा ये ऐप के फीचर्स आपको पता है ना इस ऐप पे अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो आपको कुछ क्वाइंस भी मिलते हैं और उन क्वाइंस को आप एज अ फीस जो है वो यूज कर सकते हो हमारा कोई भी बैच परचेज करने के लिए और अभी तो एटी परसेंट ऑफ भी है चलो शेयर हो गया अभी तो एटी परसेंट ऑफ भी है गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे जुड़ जाओ टेलीग्राम पे भी भेज देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को मेरे अडॉप्टेड बच्चों को एम में चला गया क्रिपको में चला गया चलो ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन और ये रही मेरी कम्युनिटी यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम को अगर आप ज्वाइन कर लोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम को तो आपको बहुत कुछ मिलेगा चाहे वो शेड्यूल्स की बात हो चाहे डिफरेंट टारगेट्स की बात हो बहुत जल्दी जब मुझे टाइम लगेगा मैं तुम्हारे टारगेट्स का एक स्क्रीन या वीडियो बनाऊंगी ठीक है तुम्हें शाबाशी देने के लिए ठीक है अक्षिता में में आप हिमाचल वाली टोपी पहना करो नाइस nice आइडिया इस बार हिमाचल जाऊंगी तो हिमाचल टोपी लेके आऊंगी फिर हिमाचल टोपी लगा के उड़ान की क्लास लिया करूंगी ठीक है वैसे भी कई बार ए इतना ज्यादा हो जाता है मेरे सर में ठंड लगती है ओके okay, आरोही सिंह की इट्स माय फर्स्ट क्लास वेलकम टू द सेशन आरोही एंड हाँ वेलकम टू द उड़ान वाह नाइस हाँ एंटोमोलॉजी होगी आज जो कि सनी को पसंद नहीं है, है ना चलो तो एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर क्या क्या है जल्दी से इंस्टॉल कर लो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की एप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके ग्रुप एक्सप्लोर करके जुड़ जाओ ठीक है ये है अलविदा जून का 80% परसेंट ऑफ ऑफर तो अगर आप कोड यूज करते हो Y781A तो हर कोर्स पे आपको मिलता है 80% परसेंट ऑफ और डबल वैलिडिटी क्या है ये इसको हम लास्ट में जानेंगे हिना मैम का जुनून आ रहा है महा जुनून महा मैराथन आ रहा है नॉन स्टॉप मैराथन संडे को जिसमें प्लांट पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन रहेंगे सो so, यहां पे भी आप जुड़ जाना सुबह ग्यारह बजे अब आ, सवाल है आपके लिए सेगमेंट ऑफ द एंटीना तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मैं नहीं रही है गेम क्या है ये <laughs> मैं चेंज क्यों नहीं कर पाती मैंने क्वेश्चन चेंज किया लेकिन मैंने एनिमेशन चेंज करना भूल गई बहुत बुरा हुआ अब आपको बिना ऑप्शंस के बताना पड़ेगा आंसर ओके अक्षता इज आल्सो सेइंग की जेनेटिक्स शुरू करो और सनी को तो जेनेटिक्स पसंद ही है जेनेटिक्स हमने अभी अभी खत्म किया यार लेकिन स्टिल बहुत सारी डिमांड है जेनेटिक्स की और फिर कुछ बच्चों को एंटो भी पढ़ना है तो कोशिश करती हूँ कि मिक्स क्वेश्चन रखा करो यार है ना मतलब मिक्स क्वेश्चन ऐसे मिक्स नहीं रहेंगे शुरू के ऐसे पंद्रह मिनट में एंटो और लास्ट के पंद्रह मिनट में जेनेटिक्स ऐसा कर लेंगे ठीक है तो so, सबसे बेसल सेगमेंट स्केप होता है वेरी नाइस nice यार क्या इंटेलिजेंट बच्चे पाए हैं मैंने ठीक है स्केप इज द राइट आंसर सबसे जो पहला वाला सेगमेंट जो मुंह के साथ जुड़ा होता है वो क्या होता है आपका स्केप होता है चलो टर्माइट्स बिलोंग टू विच ऑर्डर जो टर्माइट्स होती है वो कौन सी से ऑर्डर से बिलोंग करती है आरोही मुझे ज्यादा नहीं आता इट्स ओके प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार प्रैक्टिसन परफेक्ट आप सभी परफेक्ट बन जाओगे ये इसीलिए है कि एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस होती रहे ठीक है यहां बहुत सारे लोग हैं जो तुक्के मारते हैं आता उनको भी नहीं है है ना हंस लो अब चलो तो टर्माइट्स जो है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है ओके वेरी नाइस तो आरोही तुम ऐसा करो जो बाकी आंसर्स कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आंसर कर दो कोई बात नहीं तुम्हें याद तो रहेगा एटलीस्ट तो बिल्कुल आईसॉप्ट्रा ऑर्डर से होते हैं आपके टर्माइट्स डिप्ट्रा ऑर्डर से जो आपकी फ्लाइज होती है बेसिकली हाउस फ्लाई होती है वो आपकी डिप्ट्रा ऑर्डर से होती है डाई मतलब टू टू विंग्स होते हैं उसमें ठीक uh, है यूजुअली इंसेक्ट्स में फोर विंग्स होते हैं है ना टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं चार पंख होते हैं लेकिन डिप्ट्रा में दो ही विंग्स होते हैं यानी वन पेयर ऑफ विंग्स होता है थोप्ट्रा की बात करें ऑर्थोप्टा में क्या आता है ओके ओके शिवी ओके 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 चलो ओके okay, फाइन और की हम बात करें उसमें कौन आते हैं ग्रास हॉपर आता है है ना ग्रास हॉपर्स आते हैं आइसॉप्ट्रा में टर्माइट्स आती है और थानोरा में क्या आता है था में ओके दैट्स नाइस रानी बोल रही है मैम मैं तुक्के नहीं मारती अच्छा थाइस में क्या आता है थ्रिप्स नहीं आते में आते हैं थ्रिप्स में सिल्वर फिश आती है ठीक है इट्स सिल्वर फिश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज दटेरी गॉड तो ये पटेरी मैं बोलती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग याद रहे आप पी खा ना जाओ अदरवाइज प्रोनाशिएशन में पी साइलेंट होता है ठीक है इट इज एंडोटेरी गोट ठीक है इसको क्या बोलते हैं एंडोटेरिगोट बोलते हैं आपको जल्दी से बताना है क्या वो ऑर्थोप्ट्रा है आइसोप्ट्रा है हेमिप्ट्रा है या लेपिडोप्ट्रा है देखो पुष्पेंद्र ने भी थ्रिप्स लिखा बेटा सुनो मेरी बात एक होता है थाएसेनूरा और एक होता है थाएसेनोप्ट्रा ठीक है जिसमें आपका पीटीआर है ना ये पटेरा होगा मतलब इसमें विंग्स होंगे तो ये पटेरा वाला थ्रिप्स है और थाईसेनूरा वाला सिल्वर फिश है ठीक है ये एपटेरीगोड्स में आते हैं जिनमें विंग्स नहीं होते हैं ठीक है थीके? तो ये डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है नाउ यहां पे आंसर करो जल्दी से लेपिडॉप्ट्रा इज द राइट आंसर ठीक है क्या है सही आंसर इसका सही आंसर है लेपिडॉप्ट्रा अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं उसमें एंडो होता है और एक्सो होता है एक्सो जहां पे पंख बाहर की तरफ से आए हैं और एंडो जहां पे पंख अंदर की तरफ से आते हैं ठीक है थीके? तो अंदर की तरफ से जो है किसमें आते हैं लेपिडॉप्ट्रा में आते हैं टर्माइट्स है. में ग्रास ऑपर में और जो आपका हेमिप्ट्रा है उसमें भी नीट uh, के लिए तो मैं नहीं पढ़ाती हूं क्योंकि एग्रीकल्चर से हूं ना मैं लेकिन हाँ जेनेटिक्स के क्वेश्चन तो आपके लिए भी वैसे ही हैं मैं थोड़े इजी लेवल के ही लाती हूं है ना मैंडल वगैरह तो वो देख लिया करो चलो यस yes, so जो लेपिडोप्ट्रा होता है जो बटरफ्लाई होती है उसमें आपका अंदर की तरफ से पंख निकलते हैं एंडोटेरीगोट्स ठीक है Gods, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन आपने कल की क्लास में किया था उड़ान 2.0 में दैट डिफरेंसिएशन ऑफ बॉडी इंटू फंक्शनल रीजन इज कॉल्ड एज जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो तीन डिस्टिंग रीजन में बटी हुई होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस मोर्फोजेनिस टेगमोसिस या ब्लास्टोजेनेसिस चलो जल्दी से बता दो आपको डायग्राम में मैं बताऊंगी हेमेंद्र कैसे निकलते हैं ठीक है अगर मैं आ, कल जो है डायग्राम्स देखूंगी किस तरीके से आप डिस्टिंग कर सकते हो एंडो और एक्सो को तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगी ठीक right है द राइट आंसर हियर इज टेगमोसिस ठीक है जो रीजन होते हैं उनको टेगमा बोला जाता है और जो प्रोसेस होती है उनको टेगमोसिस बोला जाता है राइट ओके नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन इंसेक्ट हेड इंसेक्ट का जो हेड होता है उसमें कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेवन सिक्स फाइव या थ्री यस सेगमेंट यस योगेंद्र यू आर राइट सेगमेंट्स को टैग्मा बोलते हैं hmm. बहुत पहले आपने फोर विंगलेंस ऑर्डर बताया था हाँ फोर ही होते हैं ठीक है ही होते हैं बेटा फोर ही होते हैं कल भी मैंने फोर ही बताए थे चलो यस yes, कितने होते हैं कैसे बताया था देखो हेड को बोलते हैं सिर हेड को इंग्लिश में इंग्लिश में हेड ही बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सिर और इस सिर में जो है वो सिक्स क्या होते हैं सेगमेंट्स होते हैं कुछ लिटरेचर में सेवन भी दिया गया है वो प्री एंटीनल होता है अदरवाइज सिक्स सेगमेंट्स होते हैं ठीक है ओके okay. ड द माउथ पार्ट आर इन कंटिन्यूस देखो डिफरेंट टाइप के हेड होते हैं जैसे आपका हाइपोगने प्रोगेन कर चुकी हूं बहुत पहले अभी नए बच्चे जुड़े होंगे तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है क्या हुआ मेरी ट्रिक पे मत हजो इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने ठीक है जिसको याद नहीं रहता उसको याद रहेगा ओके चलो ओके ओके सो एक ऐसा टाइप ऑफ हेड जहां पे माउथ पार्ट जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में होते हैं ठीक है यस वेरी नाइस हाइपोगनेथस देखो हाइपो का मतलब होता है हाइपो का मतलब क्या होता है नीचे तो कंटीन लेग्स कहां होती है लेग्स भी नीचे होती है तो याद रखना कंटिन्यूअस सीरीज में लेग्स के साथ जो है वो चला हुआ है दैट इज हाइपोगनेथस ठीक है राइट आंसर इज ए चलो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इन पियर्सिंग क्या होता है Piercing होता है छेद करना जैसे आप अपने कान में पियरसिंग करते हो नोज में पियर्स करते हो पियर्सिंग करते हो तो ये भी क्या करते हैं ये ऐसे माउथ पार्ट होते हैं जिनके पास टाइलेट होती है, है ना ऐसे पतली सी बीक टाइप की होती है वो उस टाइलेट को टिश्यू के अंदर जो है वो डाल देते हैं और फिर सक करते हैं चूसते हैं है ना सैप को जल्दी से बताओ विशु गलत कैसे कर रहे हो बेटा थ्रिप्स कैसे हो सकता है मॉस्किटो इज द राइट आंसर रानी ने भी थ्रिप्स लिखा है बेटा थ्रिप्स नहीं है थ्रिप्स क्या होते हैं थ्रिप्स का माउथ पार्ट होता है रास्पिंग एंड सॉरी सौर रास्पिंग बोल रही हूं uh, हाँ रास्पिंग ये तो ठीक है ठीक है उसका क्या होता है रास्पिंग एंड सकिंग क्या होता है रास्पिंग एंड सकिंग देखो जो थ्रिप्स होते हैं ना बेटा उनके पास नहीं होती है ठीक है, 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 है. है आपका मॉस्किटो में होता है और इसके साथ साथ किसमें होता है बग्स में होता है, में होता है. हाउस फ्लाई के कैसे होते हैं स्पॉन्जिंग टाइप हम कर चुके हैं स्पॉन्जिंग टाइप होता है हनी बी का कैसा होता है अच्छा चाय बनाते हुए देख रही हूं तो लॉस्ट हूं मैं अच्छा जी चलो जल्दी से बता दो हनी बी में कैसे होते हैं आई एम फरहान खान हेलो हेलो जल्दी से बताओ हनी बी में वेरी नाइस सोनाली इट इज च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है ना लैपिंग होता है काइंड ऑफ चाटना है ना जैसे आप खिचड़ी होती है ना उसको खा सकते हो मतलब ना उसको चबा सकते हो ना उसको पी सकते हो है ना वो थोड़ा सेमी लिक्विड सा होता है तो so, वैसे ही नेक्टर को चाटने के लिए हनी भी जो है वो कौन सा करती है यूज कौन सा यूज करती है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ओके लैपिंग वर्ड याद रखना है एंड च्यूइंग इट चबाना चलो, मेरी बात सुनो, जो wings होता है, अगर उसका सिर्फ सबसे बेसल वाला पार्ट है वो sclerotized हुआ है. है का मतलब होता हार्डनिंग हार्ड hard हो जाता है वो ठीक है तो वो क्या बनाता है क्या वो हॉल्टे बनाता है क्या वो एलाइट्रा बनाता है क्या वो टेगमीना बनाता है या इलाइट्रा बनाता है ये जो आप देख रहे हो ना हेमी एलाइट्रा ये सब मॉडिफिकेशन है ये सब हैं आपकी विंग्स की ओके ये विंग्स की मॉडिफिकेशन में जो आप टॉपिक पढ़ते हो ना वहां पे होता है इसका जो सबसे बेसल पार्ट है जब वो स्लैरोमी इलाइट्रा है तो बोलते हैं ओके स्रूप हाँ, स्रूप करके खा सकते हैं हाँ वही स्रूप स्रूप करके जैसे मैगी खाते हैं वैसा ही ओके <laughs> फीलिंग okay. समझ गए तुम है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द जॉन्सटन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन मैंने आपको पहले भी बताया था ये जॉन्सटन ऑर्गन वैसे तो कहाँ होता है एंटीना में होता है कहाँ ऊपे होता है एंटीना में होता है एंटीना के भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं तो जहां पे आप मॉर्फोलॉजी में एंटीना पढ़ोगे उड़ान 2.0 में कल ही पढ़ोगे एंटीना शायद है ना हेड और फिर एंटीना कल मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे आप तो ये जो एंटीना है बेटा इसके कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है जॉनस्टन ऑर्गन वेरी नाइस पार्ट प्रदुम द राइट आंसर इज पेडिसल जबकि ये जो ट्रोचेंटर है ये भी लेग का पार्ट है और ये जो कॉक्सा है ये भी लेग का ही पार्ट है स्केप और पेडिसल जो है वो किसके पार्ट से एंटीना के पार्ट है जहां पे स्केप जो है सबसे बेसल होता है और पेडिसल में आपका जॉन्स्टन ऑर्गन होता है ये ऑर्गन होता क्या है ये ऑर्गन होता है मास ऑफ सेंसरी सेल्स सेंसरी सेल्स के मास को बोला जाता है जॉन्स्टन ऑर्गन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्वे विदाउट लेग्स एंड पुअरली स्क्लेरोज इज कॉल्ड एस ऐसे लार्वे जिनमें लेग्स नहीं होती है ऐसे लार्वे जिनमें लेग्स नहीं होती है और वो पुअरली स्क्लेरोज हुए पड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है ओलिगोपोड अपोडस फॉर्म या पॉलीपोर्ड चलो इसके बाद बहुत जल्दी रैपिड फायर चलने वाला है इसको कर लो बाकी पुराने क्वेश्चंस का रैपिड फायर चलेगा शाबाश यस द राइट आंसर इज बी अडस मतलब आपके लेग्स और अग गया तो मतलब विदाउट लेग्स अ पोडस इज द राइट आंसर हियर ओके साल्टोरियर लेग्स आर फाउंड इन अब ये ऑप्शन नहीं दूंगी मैं जल्दी से बता दो कि जो साल्टोरियल लेग्स होती है जो जंपिंग के लिए यूज होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है आपको बताना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेग मॉडिफिकेशन होती है अलग अलग कामों के लिए कोई वॉकिंग होती है कोई रनिंग लेग्स होती है कोई जंपिंग लेग्स होती है तो आपको बताना है साल्टोरियल लेग्स किसमें फाउंड होती है यस जंपिंग वेरी नाइस विश्यू किसमें होती है ग्रास हॉपर में होती है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पार्थ हंसा सुष्मिता शरद शिवी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हॉल्टियर्स विच मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट आर प्रेजेंट इन हॉल्टियर क्या होता है बेसिकली हॉल्टियर जो है मॉडिफिकेशन है विंग की पंखों की मॉडिफिकेशन होती है और ये मेंटेन करते हैं बैलेंस उड़ने के टाइम पर किसके केस में लेपिडोप्ट्रा डिप्ट्रा डरमेप्ट्रा या हेमिप्ट्रा कॉकरोच में बेसिकली रनिंग लेग्स होती है यार ठीक है चलो यस वेरी नाइस द राइट आंसर इज डिप्टरा डिप्टरा में होता है ये नाउ प्रिमिटिव टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड जो सबसे पहले आए होते थे जो बहुत लेस मॉडिफाइड हैं ठीक है प्रिमिटिव टाइप मतलब पहले के सबसे जो पहले इंसेक्ट के हेड जो है वो कौन सा है uh, क्या वो हाइपोग है प्रो है प्रोग है या नन ऑफ द अब यस यस कोई बात नहीं कोई बात नहीं यस डिप्ट्रा मक्खी चाय बनगी चाय बन गई विशु चलो जल्दी जल्दी द राइट आंसर इज हाइपोग प्रो नहीं ऐसे नहीं देखना है प्रो है तो पहले है प्रिमिटिव भी पहले है हाइपोग है सबसे जो समझ गए ना क्या सबसे प्रिमिटिव सबसे पहले वाला ओके लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग जो इंसेक्ट की लेग होती है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ट्रोचेंटर फीमर हाँ, ऐसा कुछ मीम था ना चाय पी लो हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो चलो यार चाय का नाम मत लो मेरी इतनी एनर्जी डाउन हो रखी है ना आज आज मैं सुबह से कुछ ज्यादा ही बिजी थी चलो द राइट आंसर इज यार नहीं. जो होता है, वो सबसे सबसे होता होता है है, के का. जो वाला वो तो हमने कर लिया स्केप होता है है ना जो लब सबसे सेकेंड सबसे लास्ट भी नहीं सेकेंड वाला जो होता है वो क्या होता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी चक्कर खा के गिर जाऊंगी क्या टाइम हो रहा है अभी भगवान हम्म hmm. देख इस विशु को इसने चाय का वो भी बेच दिया <laughs> चलो कॉफी यहां पे कहा से आएगी स्टूडियो में ठीक है द राइट आंसर इज पेडिसल ओके पेडिसल आंसर वेरी राइट सी ओके द टाइप ऑफ विंग कपलिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट इन हेमनोप्ट्रा हनी बीज में कैसी विंग कपलिंग होती है जल्दी से बता दो आई विल चेक दिस पार्ट आई विल चेक दिस क्योंकि जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ ऑब्जेक्टिव एंटोमोलॉजी की उसमें तो फीमर दिया गया है ठीक है मैं देख लूंगी ओके okay? चलो जल्दी से बताओ टाइप ऑफ विंग कपलिंग मकानिजम प्रेजेंट इन हेमनोप्ट्रा इज क्या वो जुगेट है हेम्यूलाए है फ्लैनेट है या नन ऑफ द अव वेरी नाइस एच ऑफ हेमनोप्ट्रा एच फॉर हानि बी इज एच फॉर हेम्यूलाए है ना एंड एच फॉर हुक्स इसमें होती है ना ये कौन रो रहा है एक्सप्लेन हाँ, कर रही हूं मैं लिसन टू मी ये है आपका हेड है ये इसका है और ये इसका एबडोम है यहाँ पर विंग्स लगे होते हैं एक पेयर यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे बेटा ये दोनों आपस में कैसे कपल कर रहे हैं ठीक है थेके? क्या वो किसी हुक से आपस में जुड़े हुए हैं ये दोनों है ना या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके जुड़े हुए हैं किस किस तरीके से ये दोनों पेयर ऑफ विंग कपल कर रहे हैं ना उसको बोला जाता है विंग कपलिंग अब मैंने आपको बोला यस जुगेट मॉथ्स में होता है मैं एक बार पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूं में क्या होता है, है क्या होता है बेसिकली इट इज हेम्यूलेट हुक होती है है ना जो हाइंड विंग्स होती है उस पर कुछ हुक्स लगी होती है जिससे ये दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड होते हैं ठीक है यस फ्रेनेट इन बटरफ्लाई एम्प्लेक्सी फॉर्म इज ऑल्सो इन बटरफ्लाई ठीक है जो सबसे सिंपल होता है ब्लैक्सी फॉर्म है यार ठीक है हाँ ये क्या बात हुई गोल्ड मेडल लाने के बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो इसका क्या फायदा इसका मतलब एक बार कोई गोल्ड मेडल लेकर आ जाए तो उसको जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी है है ना मतलब कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला है तो अगले दिन से आई वॉज लाइक वट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट नाउ आई एम द क्वीन अब मेरे सामने कोई कुछ नहीं है अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है सारे जाओ भाड़ में मुझे तो मिल गया गोल्ड मेडल मैं उसी गोल्ड मेडल को खाऊंगी पीऊंगी सब कुछ उसको ही करूंगी है ना क्या यार तुम है ना और ये मेहनत मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा पैशन है टीचिंग वो अलग बात है कि कुछ नई नई पीपीटीज बनानी होती है तो लैपटॉप में पूरा दिन देख देख के थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाता है और वो कुछ दिनों की बात है एक बार पीपीटीज बन जाएंगी बट अः क्या यार सनी तुम क्या यार क्या यार चलो ओके okay. uh, इधर देखो आप जल्दी से ओके सर्विक्स इज लोकेटेड बिटवीन जो सर्विक्स होता है वो कहां पे लोकेटेड होता है क्या वो एंटीने और हेड में के बीच में लोकेटेड होता है हेड और <laughs> hmm. ठीक है हेड और मीजोथोरिक्स एंटीने एंड प्रोथोरेक्स हेड एंड प्रोथोरिक्स हो गया यार आंसर भी कर दो कोई रोशनी ने क्या लिखा है रोशनी नहीं है वो रश्मि है ठीक है चश्मा क्यों पहनू मैं मेरी आईज बिल्कुल ठीक है मेरी आई साइड बट लैपटॉप में ना 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 लैपटॉप में मुझे दिखाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेक्स पहन के मुझे दिखाई नहीं देता मतलब मैंने एक बार वो, वो होती है ना लैपटॉप की स्क्रीन से बचने के लिए वो दूसरी जीरो नंबर वाली वो लगाई थी मुझे इतनी इरिटेशन होती है मुझे ऐसा लगता है निकाल के फेंक दू मैं ऐसे अड़ती है मुझे यहाँ पे स्पेक्स मतलब यू, जो भी स्पेक्स लगाते हैं उन सबको हैड्स है पता नहीं कैसे लगाते एक तो मैं बुढ़ी दिखाई देती हूँ स्पेक्स लगा के मुझे मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती स्पेक्स लगा के और दूसरा मुझे इरिटेशन होती है यहां यहां पे मैं नहीं लगा रही स्पेक्स वैक्स चलो ओके सो द राइट आंसर इज हेड एंड प्रोथोरेक्स तो होता क्या है ये सर्विक्स क्या है बेसिकली समझ लो सर्विक्स इज योर गर्दन इंसेक्ट योर गर्दन नहीं इंसेक्ट की गर्दन तो ये है हेड है ना और ये है थॉरक्स और पहला है प्रोथोरैक्स तो बेटा यहां पर जो इस हेड को इस प्रोथोरेक्स से जोड़ता है ये गर्दन टाइप इसको आप बोलते हो सर्विक्स सो so, सर्विक्स इज लाइक अ गर्दन इट इज अ नेक नेक ऑफ इंसेक्ट ओके चलो उसके बाद अब आ जाओ आप रैपिड फायर पे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए वापस लेके आई हूं क्योंकि मैंने अपने प्यारे अडॉप्टेड उड़ान 2.0 पॉइंट बैच पेड बैच के बच्चों को अभी दो क्लासेस में जनरिक कराया है तो अब अगर तुम यहां पर हो तो यहां पर तुम्हें आंसर करना है सबसे पहले ठीक है हाय थैंक यू सो मच चलो आंखें चली गई हैं हम डबल बैटरी बनने वाले हैं हाँ? लगाना पड़ता है चलो कैरेट वैरेट खाया करो यार कैरेट जूस पिया करो है ना थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता उससे बट स्टिल ओके अरे बाप रे आर्थ्रोपोडा को अभी भी कैसे लिख रहे हो तुम दामिनी हेमेंद्र क्या हो गया है किशन बहुत सारे लोग लेटिन लिख रहे हैं सुनो मेरी बात मैंने आपको बोला था ए आर और जी आर जी आर का भी दूसरा वर्ड आर और ए आर का भी दूसरा वर्ड आर ग्रीक होता है लेटिन वर्ड सिर्फ इंसेक्ट है है ना ये वाला आई एन और ये वाला आई एन है, 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 दोनों ही टू ग्रीक वर्ड है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट रिप्रोडक्शन जो आप इंसेक्ट uh, की रेस्पिरेशन होती है और रिप्रोडक्शन होती है वो कौन से पार्ट पे होती है हेड सब पे ही होती है ग्रीक है भाई ग्रीक है एंटोमोलॉजी भी ग्रीक है पूजा पासवान आपका आंसर मिल रहा होगा यार ऐसा कुछ नहीं है आ, नहीं मैं कोई वाइटमिन नहीं लेती मैं फ्रूट्स खाती हूँ <laughs> बाकी ये ग्लो व्लो लाइट का ग्लो यार ऐसा कुछ नहीं है हालत टाइट हो रखी आज तो फाइव right uh, बताया था क्या मुझे तो लगता है फोर ही है और यहाँ पे भी मैं फोर ही बताऊंगी फिफ्थ तो मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा मुझे बुक का नाम बता दो चलो बुक का नाम बता दो मैं फिफ्थ देख लूंगी है ना मैं भी अपने नोट्स में एड कर लूँ कौन है पांचवा वाला ठीक है चार ही होते हैं और कौन से चार होते हैं वो मैं कल बता चुकी हूं ठीक है आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन इंसेक्ट ऑर्डर कितने एपटेरिक होटा है जिनमें विंग्स नहीं होते हैं चार होते हैं ठीक nice है वेरी नाइस योगेंद्र ने आंसर यहाँ पे कर दिया है सिंपल आइज ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज इंसेक्ट में दो टाइप की आइज होती है एक होता है सिंपल आइज एक होती है कंपाउंड आइज ठीक है तो सिंपल आइज को और किस नाम से जाना जाता है हिमाचल वाले सब खा खा कर इतनी अच्छी स्किन कर लेते हैं <laughs> नहीं हमारी जीन्स भी होती है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना जेनेटिक फैक्टर भी होता है ओके okay. जल्दी से बता दो सिंपल आइज को क्या बोला जाता है वेरी नाइस nice विशु ऑसिली क्या बोला जाता है ऑसिली बोला जाता है गुड ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स बिलोंग टू गोटा अभी आपने गोटा का लेपिडोप्ट्रा पढ़ा था और ये मैंने आपको बताया है वहीं पर दूसरे ऑप्शन कौन कौन से बताओ uh, कौन सा है जो एग्जोपटेरीगोटा है क्या वो हेमिप्ट्रा है ऑर्थोप्ट्रा है है, या ऑर्थोप्ट्रा और हेमिप्ट्रा दोनों के दोनों जो हैं, वो क्या होते हैं आपके एक्सोप्टेरिगोटा होते हैं चल दी बता दो अभी हम फाइव बिंगलेस ऑर्डर बता रहे हैं अभी बताओ और बुक भी बताओ हम तो चाहते हैं आप हमें बताओ हम नॉलेज के भूखे हैं ठीक है बस यार ज्यादा हो गया दिस इज माई नेचर तुम ऐसा मत समझ आ, समझा करो पर मेरे रेगुलर बच्चों को पता है कि दिस इज माई नेचर मैं कोई इतरा विरा नहीं रही हूँ मैं ऐसी बात करती हूँ ठीक है मैं चेंज नहीं कर सकती उसको लेके एक घंटे तक मैं ऐसे बैठी रूं टॉर्चर होती हुई मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ पैशन फॉलो करने के लिए ना तो वही करूंगी चलो बोथ इज द राइट आंसर फ्रंट विंग ऑफ ग्रास हॉपर इज नोन एज जो फ्रंट uh, बिंग्स होते हैं ग्रास हॉपर के उनको क्या बोला जाता है टेगमिना स्टाइलेट कॉर्बिक्यूला या टेगमा जल्दी से बता दो इतराऊंगी मैं और इतराऊंगी विशु ने बोला अब तो मैं महा महा इतराऊंगी चलो जल्दी 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 वॉच चेंज नहीं किया है मैंने वॉच का स्ट्रैप चेंज किया है सिर्फ चलो हम्म द राइट आंसर इज टेगमिना टेगमिना इज द राइट आंसर हियर ओके मैटामोरफिस इज कंप्लीट इन जो मैटामोर्फिस होती है वो किस में कंप्लीट होती है एग्जोपटेरिगोटा में एंडोपटेरिगोटा में या बोथ ए एंड बी जल्दी से अब याद करो कि लेपिडोप्ट वाला आपने किस में पढ़ा था देखो लेपिडो एंडो ठीक है लेपिडो एंडो और लेपिडो जो है बटरफ्लाई उसमें आपकी कंप्लीट मेटामोर्फिसिस होती है है ना याद रहेगा तो कंप्लीट मेटामोर्फिसिस जो है वो किस में होती है एंडो में होती है क्योंकि लैपिडो में होती है और लैपिडो बटरफ्लाई है बट अच्छा कंप्लीट मेटामोर्फिसिस होती क्या है जहां पर एग लार्वा प्यूपा एडल्ट ये जो आपके चारों स्टेजेस हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं वो होती है कंप्लीट मोरफोसिस मेटामोरफिसिस ठीक है मेटा का मतलब क्या होता है Change, okay? Morphology, change. और incomplete वाली में कोई एक स्टेज नहीं होती है इनकमिगोटा वाली में चलो, में कौन नहीं आता है सो so, ऑब्वियसली अभी आपने एक्सो का पढ़ा yes, हेमिप्ट्रा इज द राइट आंसर क्योंकि हेमिप्ट्रा आपने पीछे पढ़ा ना कि एक्सो होता है ऑर्थोप्ट्रा वगैरह। चलो एंटीने आर एब्सेंट इन एंटीने जो है वो किसमें एब्सेंट होते, है? right होते हैं माइड स्टिक्स या ऑल ऑफ दिस राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस में एब्सेंट होते हैं इन सब में ही एबसेंट होते हैं इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ सक्सेसिव रिंग्स कॉल्ड ये मैंने आपको पहले भी कराया था और आपने गलत किया था जल्दी से बताओ इंसेक्ट की बॉडी जो है वो सीरीज ऑफ सक्सेसिव रिंग्स में डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं वेरी नाइस याद रखा यार तुमने उनको सेगमेंट भी बोलते हैं सोमाइट भी बोलते हैं और मेटामेयर्स भी उन्हीं को बोलते हैं शाबाश तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ओके टोटल रीजन इन इंसेक्ट बॉडी इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज जो टोटल रीजन होते हैं अलग अलग इंसेक्ट की बॉडी में उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है टेगमेटा बोला जाता है सेगमेंट्स बोला जाता है टेगमोसिस बोला जाता है या मेटामेयर्स बोला जाता है क्या बोला जाता है जल्दी से बता दो द राइट आंसर इज वेरी नाइस तो सबसे पहले किसने किया आंसर समृति ने किया ए विशु ने किया पूषा पासवान ने किया फाइनली सॉरी <laughs> मेरी मेरी सॉरी सॉरी पूजा पास पूजा पासवान ठीक है देख लो मेरे अंदर कितना ज्यादा हॉर्टिकल्चर कूट कूट के भरा है, है कि मेरे अंदर से वो वैरायटी का नाम निकला जा रहा है ठीक है ठीक है ओके सो सबको पता है ना जो न्यू दिल्ली की जितनी भी वैरायटीज होती है उसका पूसा लगता है और जो आई की वैरायटीज होती है उसमें अर्का लगता है <laughs> <laughs> तो वो पांचवान और पूजा साथ साथ था मेरा इकट्ठा हो गया सॉरी यार मुझे ऐसी रोकनी पड़ेगी वेट <laughs> यार <laughs> होता है ब्लू लैम्स सॉरी यार मुझे ब्लू लैम्स आर यूज टू किल <laughs> किसको किल करने के लिए यूज होता है <laughs> किसी ने मेरी क्लास देखी तो वो पागल हो जाएगी मुझे इतनी हंसी आती है मेरी आंखों से पानी आ गया हंस के ओके ब्लू लेंस आर यूज टू किल जो ब्लू लेंस होते हैं वो किसको किल करने के लिए यूज होते हैं ग्रास हॉपर फ्रूट बोरर बुली एफिड्स या ऑल ऑफ दीज कंट्रोल कर लिया मैंने यार तुम अब हंसने के साइन मत बनाओ अब मैं नॉर्मल हूं आई एम नॉर्मल चलो यस yes, आंसर करो यार हाँ तो बुली एफर्ट्स ओके हो गया हो गया हो गया है चलो बुली एफर्ट्स के लिए वेरी नाइस द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वॉज क्वाइंट बाय किसने क्वाइन की है टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कोई बात नहीं मैं इस वैरायटी को डेवलप करूंगी ठीक है चलो बार्लेट एलकार फ्रेले और आरएच पेंटर द राइट आंसर इज वन बार्लेट ने किया है टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को क्वाइन ठीक है बस यार काफी है नीम टर्म इज इन द लार्वे ऑफ नीम जो है वो किसके लार्वे के लिए यूज होता है बर्ग्स व्हाइट फ्लाई एफिड सबके लार्वा के लिए नीम वर्ड यूज होता है uh, उसके बाद नीला पर्वता लूजन किसका साइंटिफिक नेम है जल्दी से बता दो <laughs> अब ठीक है नीला परमा पर्वता लूजन्स जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है व्हाइट फ्लाई का राइस गांधीबर्ग का ब्राउन प्लांट हॉपर का या राइस गोलमिज का सो हियर द राइट आंसर इज ब्राउन प्लांट हॉपर बिल्कुल सी आंसर है बीपीएच इज द राइट आंसर वेरी नाइस अच्छा केमिकली काइटिन इज ये तो मैंने आज ही बताया था आपको काइटिन क्या होता है मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड स्टैंड प्रोटीन और बोथ वन एंड टू अच्छा सनी वर्मा वापस ही नहीं आया अपना फिफ्थ ऑर्डर लेके सनी वर्मा चलो जल्दी से क्या होते हैं ये पॉलीसेकेराइड होते हैं ठीक है ओकरा की न्यू वेराइटी बस 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 ओके <laughs> okay. एफिड्स में जो हेड की पोजीशन है वो किस तरीके की होती है एफिड्स में हेड की पोजीशन जो है वो हाइपोगोनेथस होती है ठीक है प्रोगोनेथस होती है या ओपिस्थोगोनेथस होती है ओपिस्थोगोनेथस थोड़ी ऐसे को होता है इसका बीक आपके सामने यहां पे है ठीक है हाइपोगनेथस नीचे की तरफ को होता है यहां पे आप देख सकते हो हाइपोगनेथस नीचे की तरफ को होता है प्रोगनेथस आगे की तरफ को होता है और ओपिस्थोगनेथस जो है वो थोड़ा ऐसे बीक्ट सा होता है ठीक है आपको आ, पिक्चर में जो है अक्षिता बोल रहे एक बार और हंसी का धमाका यार मतलब जब वो बनाना वाली कर रहे थे ना तो पूछो मत अब उसके आगे पीछे का छोड़ो लेकिन मुझे जो हंसी आई है मतलब दस मिनट तक चला है वो ड्रामा वो तो आपको फिर भी पंद्रह सेकेंड का दिखाया है मतलब तुम्हारे साथ नहीं होता क्या कभी मुझे तो एक बार मतलब एक बार तो डांट पड़ रही थी लिटरली सबको और मुझे हंसी आ रही थी पता नहीं क्या है अब ये चलो जल्दी से बता दो और होता है ठीक है चलो येलो स्टिकी ट्रैप्स आर टू ट्रैप येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो किसको ट्रैप करने के लिए यूज आ, होते हैं एफिड्स फ्लाई या बोथ एंड <laughs> चलो चलो किया था ओके okay. हाँ नहीं देखा चलो ठीक है मैं देख लूंगी इसको एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ क्या था अच्छा सनी वर्मा जी बोल रहे हैं कि माइक्रो कैरिफिया होता है माइक्रो कैरिफिया रिसर्च करेंगे हम इस बारे में ठीक है ये मुद्दे पे रिसर्च होगी ओके सो द राइट आंसर इज बोथ वाइट फ्लाई एंड एफ थ्रिप्स के लिए ब्लू यूज होता है बेटा ठीक है चलो

Uh, so सारे, सारे सके कंट्रोल के लिए करते हो तो वो आप अनार बटरफ्लाई के कंट्रोल के लिए करते हो ओके दे ब्रोमडियोलोन इज एन इफेक्टिव क्या इफेक्टिव होता है रोडेंटिस होता है जो रैट्स को मारने के लिए यूज होता है ठीक है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है सेंट्रल प्लांट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली नासिक गुड़गांव हैदराबाद कहां पर है हैदराबाद में है ठीक है सर्विक्स इज लोकेटेड बिटवीन ये हम कर चुके हैं हेड और प्रोथोरेक्स ये सेम क्वेश्चन आ गया है सर्टेन सिक्रीशन अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स ऑफ सेम स्पीशीज जब उसको क्या बोलते हैं फिरोमोन्स बोलते हैं एक्सुविया क्या होता है जो आपका क्यूटिकल लेयर जो ओल्ड क्यूटिकल चली गई होती है उसको बोलते हैं एक्सुविया है ना आकाश बोल रहा है आराम से छुट्टी होने वाली आराम से नहीं करूंगी <laughs> चलो जल्दी अच्छा टाइम होने वाला है ना पांच मिनट बचे हैं इसलिए और ये आप सब कर चुके हो आराम से ये सारे क्वेश्चंस आपके उड़ान के पहले के क्वेश्चन है रिवीजन चल रहा है ठीक है टेंशन नहीं लेनी तुमने एरियर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किसका है स्पॉटेड वॉलवर्म का है ठीक है ओके इन पैडी अनियन लाइक सिल्वरी शूट इन ऑफ नॉर्मल ईयर हेड इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है ये होता है गोल मिज फ्लाई की वजह से राइट right? नंबर ऑफ सेगमेंट इन इंसेक्ट हेड सिक्स ये रिपीट हो गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस अच्छा ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस ये मैं इसलिए थोड़ा रुक के बता रही हूं क्योंकि ये उड़ान 2.0 में मैंने आज ही पढ़ाया है जल्दी से बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्रो क्यूटिकल या एक्सो कलरलेस आपको क्या बताया था जो बाहर की स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है और वो डार्क हो जाती है ठीक है लेकिन जो अंदर की स्किन होती है वो आपकी लाइट ही रहती है और सॉफ्ट रहती है सो so, यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा एंडोक्यूटिकल ठीक है एंडोक्यूटिकल इज द राइट आंसर ओके विच ऑफ अनटैंड प्रोटीन अनटैंड प्रोटीन इनमें से कौन सी वाली है शाबाश बताओ ओके okay, जी सतेंद्र जी को भी देख लेंगे हम ठीक है ओके okay, सनी चलो यस अन प्रोटीन का नाम वेरी नाइस nice, निहारिका इट इज आर्थ्रोपोडीन जबकि स्क्लेरोटीन क्या है इट इज अ टैंड प्रोटीन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलर लेयर इनमें से सेलुलर cellular... रानी रेजिलिन जो होती है वो आपकी रबल वाली प्रोटीन होती है जो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है ठीक है सेलुलर लेयर कौन सी है जल्दी से बता दो सेलुलर लेयर है आपकी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस तो इंसेक्ट के केस में एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस एक ही बात होती है ठीक है ये दोनों एक ही बात होती है और ये सेलुलर लेयर होती है ठीक है इसी के साथ आपका आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है सो so, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी आज और कल के लिए जून के एंडिंग डेज के लिए आपका एटी ऑफ चला हुआ है हर कोर्स पे ठीक है आपको कोड यूज करना है वाई सेवन एट वन मुझे ये कोर्स में इंटरेस्ट है मुझे लेना है सात और आठ में एक का डिफरेंस होता है और इज़ फॉर एटी परसेंट डिस्काउंट ठीक है चलो अब ये एफ ओ का कोर्स है अगर आप एफ ओ के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप ए एफ ओ का कोर्स ले सकते हो इस ए आपको संकल्प उड़ान मिलेंगे 5.0 अब आ चुका है उड़ान 2.0 अब आ चुका है तो ये मैं आपको दिखा देती हूं लेकिन जब भी ये आ, आपकी डबल वैलिडिटी और 80% परसेंट ऑफ चला होता है ना तो आपको ग्रैब करना चाहिए एग्रीकल्चर महापैक ठीक है क्या है ये एग्रीकल्चर महापैक एग्रीकल्चर महापैक एक वन टाइम सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको एक बार एनरोल करने से एग्रीकल्चर के सारे बैचेस में आपको एक्सेस मिल जाएगा ठीक है हां टीबिया और फीमर में से मैं कंफर्म कर दूंगी कल ओके चलो <laughs> ओके ओके सो ये जितने भी एग्जाम है चाहे एफएसओ हो नवार्ड है यूपी ट्रिपल एसीएजी टीए है ये सारे आपको ये सारे के सारे बैचेस जो है इसका एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ एक महा पैक से ओके okay? ये महा पैक के लिए आपको वाई सेवेन एट वन एक ओड यूज करने और आपको ये थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन रुपीज का मिल जाएगा जबकि अगर आप अलग से लोगे तो आप एक ही बारी में ये लोगे, तो आपको में ये सारे बैचेस मिल जाएंगे दो साल के लिए सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी अगले दो साल तक हम जितनी भी नई टेस्ट सीरीज बनाएंगे कोई भी नई ई बुक बनाएंगे कोई भी नया बैच लेके आएंगे उन सब में आपको एक्सेस मिल जाएगा एग्रीकल्चर महापैक से आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हो आपको गूगल पे जाना है गूगल पे आपको सर्च करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को सर्च करते ही आपको यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ओपन करना है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बाद आपका कुछ इस तरीके से ये प्रीफेस खुल जाएगा है ना ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है और एग्रीकल्चर करना है है ना अतुल सर ने भेजा है अच्छा अतुल तो सर ने भेजा है ओके ठीक है सो यहाँ पे आपको जाना है जैसे कि एग्रीकल्चर महापैक है एग्रीकल्चर महापैक में इस वक्त एटी परसेंट ऑफ है और डबल वैलिडिटी है यहां पे। बाय नाउ करो बाय नाउ के बाद कूपन कोड आपको यूज करना है वाई सेवन एट वन ए इसको अप्लाई करते ही आपको सिक्स थ्री नाइन नाइन में एग्रीकल्चर महापैक में सारे एग्रीकल्चर के बैचेस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे रिवाइज so, वेल well, जो भी आपने आज क्वेश्चन किए और आ, कल जो है विवेक मैंने देख लिया मैंने देख लिया कि आपको अतुल सर ने भेजा है अभी आती हूँ मैं आपके अतुल सर के पास ही जाती हूं ओके ठीक है सो uh, ठीक so, है फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ आपने बोला कि एंटोमोलॉजी और जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग दोनों के क्वेश्चंस आपको करने हैं ना तो आपको 15 टू 20 मिनट्स जेनेटिक्स 15 टू 20 मिनट्स आपके एंटोमोलॉजी ऐसा करके देखते हैं ठीक है क्योंकि दोनों ऑडियंस जिसको दोनों क्वेश्चन चाहिए उनको डेली दोनों क्वेश्चन मिलने चाहिए तो जो आप बोलोगे वो क्वेश्चन हम लेकर आएंगे टेंशन मत लो ठीक है तो आप जो भी पढ़ो उसमें सक्सेसफुल हो जाओ ऑल द बेस्ट अच्छे से रिवाइज करना अच्छे से पढ़ना एंड ब बाय